तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और टॉपिक होने वाला है हमारा मेटाबॉलिज्म को लेके। आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेटाबॉलिज्म की, लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है बड़ी। और लड़के मेरे पास जिम में आते हैं भाई, और बोलते हैं भाई आपने डाइट बताई थी, हम खा रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और खाने के बाद थोड़ी ब्लूटिंग टाइप की होती है। तो इस पे हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं सभी लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो बिगनर्स हैं खास करके, और अपना बॉडी को गेन नहीं कर पा रहे हैं, मसल मास गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम वही आपको तीन चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जिससे आप अपनी बॉडी को डैमेज होने से, अपने मेटाबॉलिज्म को डैमेज होने से बचा सकते हो। और क्या होंगी वो तीन चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिस्टेक क्या करते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके साथ सडनली ठंडा पानी, ठंडे पानी को कंज्यूम करते हैं। ठंडा पानी हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही स्लो कर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है और हमारे लीवर को सफ़र करना पड़ता है। तो ये गलती ना करें कभी भी, खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी ना पिए। दूसरा, एक कॉमन सी मिस्टेक जो सभी करते हैं और किसी को पता नहीं होता, पहले मैं भी किया करता था, हम क्या करते हैं कभी भी ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते हैं कुछ भी और सडनली ठंडे पानी से जाकर नहा लेते हैं। तो हमें नहीं करना है। यहाँ भी क्या होगा, ठंडे पानी से नहाने से हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, हमारे लीवर को सफ़र करना पड़ेगा। तो ये दूसरी मिस्टेक भी ना करें। तो भाई तीसरी गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती हम ये करते हैं, जो आजकल का जो हमारा खाना चल रहा है ना, ये फास्ट फूड जो भी हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक तुम्हारा चाउमीन, मोमोस, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये क्या होता है, ये भी आपके जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है, आपके लीवर को फैटी कर देता है, ठीक है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही सफ़र करता है, जिससे आपको ब्लूडिंग होने लग जाती है, आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और अगर डाइजेस्ट सिस्टम ही वीक होगा तो गाइज कैसे हम अपने मसल मास को पुट ऑन कर पाएंगे या अपने आप को हेल्दी कैसे रख पाएंगे। तो ये गलती ना करें, थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। और मैं आपको तीन चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ लास्ट में, जिससे आप अपने जिसे ना खा के आप अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख सकते हैं, अपने लीवर को अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारी होगी मैदा, कोई भी मैदे वाली चीज़ ना खाएं, लाइक तुम्हारा पिज़्ज़ा, मोमोस, बर्गर, ये मैदे वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं इनको अवॉइड करें। और दूसरा हमारा मीठा, ज़्यादा मीठा भी ना खाएं, थोड़ा बहुत चल जाता है, मैं भी खाता हूँ, और ज़्यादा मीठा भी ना खाएं। मीठे से क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लग जाएगा, आपका लीवर फैटी हो सकता है, ठीक है, उसमें भी आपके लीवर को फिर सफ़र करना पड़ेगा, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपको डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा हम खाते हैं सबसे ज़्यादा ऑयली, हम देखते नहीं हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, छोले भटूरे, फ्राई मोमोज, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। ज़्यादा ऑयल से भी क्या होगा, आपका लीवर फैटी हो जाएगा, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लग जाएगा, जिससे आपका स्टैमिना, ऑलमोस्ट आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा, आप कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे अच्छे से, अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें गाइज। और अब अपने लीवर को, अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अपने मेटाबॉलिज्म को, ख़राब मेटाबॉलिज्म को अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिले, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।